Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today we are going to discuss about periods. ये class 4 mathematics का है. इसके बाद हम worksheet 5 करेंगे और उसके पहले हमें जानना है कि period क्या है. Periods में क्यों divide किया गया है numbers को. पहले तो हमारे पास places हैं. Places के अलावा फिर ये periods क्यों हैं? Why this is done? This is because when the number is very large, जब कोई बड़ा number होता है, it is very difficult for us to read it. So to make it easy, reading easy करने के लिए उन numbers को कुछ periods में divide किया गया है, so that it becomes easy for us to read the number. Let us see how many periods are there in a six-digit number. The six places are there in a six-digit number, that is ones, tens, hundred, thousand, 10,000 and lakh. This six places, इनको हम places कहते हैं ना, और इनमें जो number होता है वो place value होती है, ठीक है? The six places are grouped into three periods. What are they? Ones, thousands and lakh. Ones में तीन category है, वो है ones, tens और hundred. In thousand there are two category, वो है thousand और 10,000. Lakh में lakh आपका आएगा. ये सिक्स डिजिट नंबर के लिए. अगर सेवन डिजिट का नंबर हो तो यहाँ पर 10 लाख भी आएगा. लाख में 10 लाख भी आएगा, ठीक है? अब देखिए, व्हाइल रीडिंग द न्यूमरल ऑफ अ नंबर, ऑल द डिजिट्स इन द सेम पीरियड्स आर रेड टुगेदर. एक ही पीरियड का जो नंबर है उसको हम एक साथ रीड करते हैं और उसके उसका जो प्लेस का नाम है उस प्लेस के नाम के साथ उसको हम रीड करते हैं. वी रीड द नंबर विद द नेम ऑफ दैट प्लेस एक्सेप्ट वंस. वंस को हम वंस में रीड नहीं करते हैं. बाकी सारे जो भी हमारे नंबर्स होंगे ना उनको हम प्लेस के साथ ही रीड करते हैं. इफ द नंबर इज सपोज द नंबर इज लाइक सी द नंबर इज लाइक दिस. हाँ, दिस इज 6 लाख. ये लाख का प्लेस है तो वी विल रीड इट एज लाख. 6,74,000 क्योंकि ये दोनों एक ही पीरियड में है तो हम इन दोनों को साथ में रीड करेंगे. द नंबर्स इन द न्यूमरल्स इन द सेम नंबर जो है एक ही पीरियड का हम उसको एक साथ रीड करते हैं. 74,321. ओके, दिस इज हाउ वी रीड द नंबर. और द हाउ डू वी पुट कॉमास. नंबर्स में हम कॉमास किस तरह से डालते हैं. नंबर में कॉमा डालने के लिए फ्रॉम द राइट हैंड साइड विल गो एज यू नो दैट इन वंस पीरियड देर आर थ्री डिजिट्स. तीन डिजिट्स होंगे, तीन प्लेसेस होंगे. वो कौन कौन से तीन प्लेसेस हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड. तो वंस, टेंस, हंड्रेड विल बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा. After that, there is a period of thousand. Thousand के period में दो place हैं, that is 10,000 and 1,000. 1,000 and 10,000 that will be separated by a comma. Your three number, then two and one. Okay, this is how we are going to do. And based on these concepts, our next worksheet is there.